दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें आप ई चालान बना देती हो एक से, और ई चालान बनाने के बाद में आप मान लीजिए साइट आउट हो जाती है या फिर आपको चालान डाउनलोड नहीं करते और बाद में डाउनलोड करें, किस प्रकार से आप करेंगे, जिसमें आपको मोस्टली जो समस्या आ रही है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी समस्या आ रही है जीपीए प्रपोजल की। जीपीए जब चालान करते हो आप 220 रुपये का या इससे ज़्यादा करते हो, तो इसमें आपका चालान आप किस प्रकार से डाउनलोड करो, ये समस्या ज़्यादा आ रही है। तो इससे संबंधित आप मैं इस बारे में बताऊँगा, और अदर डिपार्टमेंट का प्रोसेस भी इसी प्रकार से रहेगा। अगर आप अदर डिपार्टमेंट की ओर आपकी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि दूसरे डिपार्टमेंट की भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले जैसे आप चालान मारते हो दोस्तों, आपको पता है एसएसओ लॉगिन से एसआईपीए पोर्टल पर जाते हो। एसआईपीए पोर्टल पर जाने के बाद में आप ट्रांजेक्शन में जाते हो, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है मिसलेनियस से जो पर्सनल पेमेंट वाला, इस ऑप्शन में जैसे आप आते हो तो यहाँ इस प्रकार के आपको विंडो दिखाई दे जाती है। यहाँ आने के बाद में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे आपको जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, इसमें ऑप्शन में से आपको जीपीए सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। और यहाँ आपको एक बता दूँ, जीपीएफ नंबर जो है आपको 1/1/2004 के बाद वाले कर्मचारियों को, जो जिनको 2000 जीपीएफ 2004 जो है वो ऑप्शन भी मिल चुका है, उसके नंबर मिल चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आप अमाउंट डाल देते हो, और ये आपका हेड है जिसमें आपका पैसा जमा होगा, और यहाँ पर आप सिटी और पिन कोड डालने के बाद में रिमार्क में आप जीपीए कटौती डालने के बाद सबमिट कर देंगे, तो ये डिडक्ट कर देगा पे मैनेजर को। हालांकि मैंने कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, उससे पे मैनेजर इस पे सॉरी पे मैनेजर नहीं, इस ई ग्रास पे, ठीक है। ई ग्रास पे आने के बाद में आप ई ग्रास पे जैसे आप आ जाते हो, तो यहाँ जैसे आप डिडक्ट होके आए और आपने चालान पेमेंट कर दिया हो ई चालान, तो उसके बाद में आप ई चालान कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार से ई ग्रास का जो ये साइट आपको दिखाई दे रही है, ई ग्रास जैसे आप सर्च करोगे ई ग्रास डॉट राज डॉट एन एस सी डॉट इन, इस साइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट के आने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद में यूज़र नेम आपको जो है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में आपको गेस्ट स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में आपको गेस्ट स्मॉल लेटर में एंटर करते हुए और कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन हो जाना। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको सबसे पहले एक नंबर एक तो दिखाई देगा डिपार्टमेंट मैप, और दूसरा देगा ट्रैक ट्रांजेक्शन। यहाँ से चालान अगर आप बनाना चाहो गेस्ट लॉगिन से, तो आपके चालान नहीं बनेंगे, आप केवल सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सर्च के लिए डिपार्टमेंट सर्च से प्रपोज सर्च और बजट सर्च यहाँ से कर सकते हो, और कॉमन हेड यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से आपको क्या आना, ट्रैक ट्रांजेक्शन डायरेक्ट आपको दिखाई देगा, ट्रैक ट्रांजेक्शन पे आना है। यहाँ आने के बाद में आपको ये सारे सेलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले आपने जिस डिपार्टमेंट का जो आपने चालान बनाया है, तो यहाँ दोस्तों आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रेजरी जो भी आपकी लगती है, और ओपी सेलेक्ट कर लेंगे। ओपी सेलेक्ट करने के बाद जीआरएन नंबर आपने जो ड्राइव डाउन किया है कहीं पर भी आपने या स्क्रीनशॉट लिया वो लिखना है आपको, और यहाँ पर बैंक, बैंक के अंदर जितने बैंक है सारे आ जाएंगे आपको, जिस बैंक से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है वो आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट जो भी आपका अमाउंट है, अमाउंट करने के बाद शो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे शो बटन पे क्लिक करोगे, तो आपके जीआरएन नंबर, नीचे रेफरेंस नंबर और पूरा आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम वगैरह भी आ जाएगा, रिमीटर नेम जो भी है अकाउंट, और यहाँ आप जैसे लास्ट में व्यू व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस व्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपके चालान की जो डिटेल है, ई चालान आपने बनाया है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और यहाँ आप देख रहे हो तो इसमें पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, नेम वगैरह और जीआरएन नंबर आपके ऑलरेडी पहले थे, और पेमेंट आपने जो किया वो, ठीक है। और रिमार्क के अंदर यहाँ जैसे मैं आपको स्पेशली सबको बताता हूँ कि रिमार्क में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रिमार्क के अंदर आप जरूर ऐड करें उसमें, जिस प्रकार से मैं रिमार्क में बता रहा था, तो आपको रिमार्क में ऐड करना चाहिए यहाँ पर कि आपका एम्प्लॉय आईडी और नेम और पोस्टिंग का है, पूरा यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि यहाँ पर शो जाए, ठीक है। और इसके बाद आप नीचे जो प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई दे, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन से जैसे ही प्रिंट करोगे, मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपका चालान ऑटोमेटिकली पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हो और या फिर आप प्रिंट डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये आपको हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप मान लीजिए जीआरएन नंबर ही आपने ऐड नहीं किया और आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, तो फिर आप जीआरएन नंबर नहीं होने पर फिर आप कैसे करेंगे इसको, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से लॉगआउट हो जाएँ, लॉगआउट होने के बाद मेन साइट पर आप चले जाएँ, ठीक है दोस्तों। मेन साइट पे आने के बाद जैसे ही आप यहाँ आएंगे, यहाँ आपको देख रहे हो लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट अस, जैसे कॉन्टैक्ट अस पे आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद में यहाँ देखिए आप ई ट्रेजरी ऑफिस से ईमेल एड्रेस से और ई ट्रेजरी ऑफिस के नंबर और यहाँ नीचे कुछ अधिकारियों के जो ऑफिसर हैं उनके नंबर्स दिए हुए, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हेल्प डेस्क नीचे दिए हुए, ऐसे भी आप संपर्क कर सकते हो, हालांकि ये नंबर अभी चालू नहीं है, बंद है।
और ये आप कांटेक्ट करके आप यहाँ से पूरी डिटेल आपने बताइए, और जो भी आपने डिटेल भरी है वहाँ नेम वगैरह पूछेंगे और कितना पेमेंट किया आपने, किस डिपार्टमेंट को किया, वो सारा होने के बाद आप जीआरएन नंबर यहाँ से ले सकते हो। और दूसरा, अगर आप उस डिपार्टमेंट स्पेशली डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहो तो नोडल ऑफिसर से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करो कि यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे आपका 101 कोड है आपका इसका SIPM ऑफिस का, तो यहाँ पर आप कोई भी एक बार ऑफिस ले लेते आप, जैसे ये ले लिया, फर्स्ट ले लिया मैंने आपको, और यहाँ पर कैप्चा एंटर करके और सबमिट करेंगे तो आपका उस पर जो भी नोडल ऑफिसर है उसके नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हो यहाँ पर विदाउट जीआरएन नंबर के, और यहाँ से जीआरएन नंबर आप सर्च करें, यानी कि यहाँ से आपको जीआरएन नंबर गोट होने के बाद में आपको, और फिर आप उस प्रकार से जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप चालान जनरेट कर सकते हो, चालान जनरेट हुआ चालान आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर सबको करें, और किसी प्रकार के सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।